हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त वसीम। आज हम देखेंगे हीडर, फूटर एंड पेज नंबर के बारे में। आपको जैसे कि किसी फाइल के अंदर या बुक के अंदर हीडर लगाना है या फिर फूटर लगाना है, या आपको इन दोनों में से कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेज नंबर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। और अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल वसीम कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम देखते हैं क्या है हीडर। तो आप हीडर पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पर ऑप्शंस आता है क्या लेना है, कौन सा स्टाइल लेना है, या आपको कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए, आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमने लिखा, लिखने के बाद आप इसको होम के अंदर जा करके थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिए, बोल्ड और यहाँ से सेंटर। इसके बाद जैसे ही आप हीडर फूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद व्यू के बाद एक डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो अभी देखेंगे ये काफ़ी ऊपर है, यानी कि इसके बीच में काफ़ी गैप है, स्पेस है, तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। हीडर फ्रॉम टॉप, तो आप इसमें नंबर ज़्यादा करेंगे तो ये देखेंगे आपका नीचे आ रहा है, एकदम टच कर लेंगे तो ये देखिए आपका टच हो गया है। इसके बाद आपको क्या है, नीचे लगाना यानी कि फूटर लगाना है यहाँ पर, तो आप फूटर पे क्लिक करेंगे। कोई स्टाइल चाहिए तो जिसको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है टाइप टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। अब इसके बाद बाहर आने के लिए क्या है, पेज के अंदर डबल क्लिक कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है बाहर आने का, जब आप हीडर या फूटर के अंदर होते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्लोज हीडर एंड फूटर, आप इस पे क्लिक कर देंगे, आप बाहर आ जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि सारे पेज के अंदर हीडर और फूटर आ गया है। इसके बाद क्या है, आपको ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे, आप आ जाएंगे। फिर हीडर यहाँ से रिमूव हीडर और फूटर पे क्लिक करके रिमूव फूटर कर देंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम खाली है। अब आगे देखते हैं क्या आप चाहते हैं कि पेज नंबर हो, तो पेज नंबर नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट राइट जिधर आपको चाहिए उधर पेज नंबर ले सकते हैं। जैसे कि हम अभी ऊपर लेते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब कि कर्सर रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन है, ऑप्शंस है, आप जिसको लेना चाहते हैं उस पर एक मरतबा क्लिक कर देंगे, वही डिज़ाइन आपका आ जाएगा। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर आ गया। जूम करके देखेंगे ये आपका देख सकते हैं पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, तो आपका ऑटोमेटिक हर पेज पर पेज नंबर आ जाता है। तो ये आपने देखा, बहुत आसान है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि ये आपका दूर है तो आप इसको भी यहाँ से नंबर डालेंगे तो आपका क्या होगा, करीब होगा। या यहाँ पे देखेंगे क्या है, गैप है, आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए अभी एकदम पूरा का पूरा टच हो रहा है, हर पेज नंबर एकदम जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहीं से स्टार्ट है। ठीक है, आपने देखा, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।